नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। तमाम पार्टियों की ओर से लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। कांग्रेस की ओर से जारी 32 प्रत्याशियों के नामों में रेवाड़ी से लगातार दूसरी बार कांग्रेस ने विधायक चिरंजीव राव पर ही विश्वास जताया। यूं तो चिरंजीव राव पहले से ही तैयारियों में जुटे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से पार्टी ने रेवाड़ी से उनके नाम की घोषणा की तो कापड़ीवास से लेकर रेवाड़ी शहर में शनिवार को उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर के अभय सिंह चौक पर दादा राव अभय सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए चिरंजीव राव ने भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव को जमकर घेरा और यहां तक कह दिया कि कोसली की जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब रेवाड़ी के लोग भी बाहर भेजने का काम करेंगे। कापड़ीवास धारवाड़ा होते शहर के सर्कल रोड सहित शहर में बड़े काफिले के साथ पहुंचे चिरंजीव राव का लोगों ने अनेक स्थानों पर स्वागत किया। अब आपको दिखाते हैं अभय सिंह चौक पर मीडिया से रूबरू हुए चिरंजीव राव ने क्या कहा। काफिले के साथ क्या कहेंगे? देखिए, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, खड़गे जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया एक बार फिर पार्टी की तरफ प्रत्याशी बनाया। और मेरी ये कोशिश रहेगी आने वाले 5 साल जो मेरा काम रहा है उसके ऊपर हम लोग वोट मांगेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ा हूँ। रेवाड़ी से बीजेपी के कैंडिडेट फाइनल होगा लक्ष्मण सिंह यादव, सर चैलेंज मानते हैं बीजेपी को, करते ही बात। देखिए, पहली तो आप खुद देख रहे हैं कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है, वही उनका विरोध करने लग रहे हैं और कह रहे हैं भारी व्यक्ति को रेवाड़ी में थोपने का काम कर रहे हैं। हम इससे पहले कहते कि वो भारी है, उससे पहले इनके लोग ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि एक भारी व्यक्ति को रेवाड़ी पर आप रोकने का काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा है कार से किसी को आप लेकर आए, क्या भाजपा के पास कोई ये कार्यकर्ता नहीं है यहाँ रेवाड़ी से, गांव से, शहर से, वार्ड से चुनाव लड़ते? तो मुझे लगता है इस बात का जवाब जनता इसको जल्द देगी। कोसली के विधायक के यहाँ क्या मजबूरी लगता है कि वहाँ से क्यों यहाँ भेजने गए? नकारा जिसको कोसली ने, उसको रेवाड़ी पे भेजा जा रहा है, ये दर्शाता है जिसको कोसली की जनता ने नकार दिया। रेवाड़ी की जनता बहुत समझदार है,